क्योंकि ये इंसान का विश है ना, वांट है इंसान का कि उसको करोड़पति बनना है, उसको मिलियनेयर बिलियनेयर ये बनना है, ये उसकी वांट होती है। पर बार 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 ये मोटिवेशन का तड़का लगा करके कोई और अपना जेब भर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो, उसी चीज में पजल्ड हो जा रहे हो, आपका जो जेई नीट का एग्जाम है वो खराब हो जा रहा है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटिवेशनल सेमिनार्स के बारे में। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सेमिनार्स, मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चों को ये चीज़ें कब देखनी चाहिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों आप इन सारी चीज़ों को बार बार देखने का ट्राई करते हो, और क्या इससे जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है या फिर जो यूट्यूबर्स हैं उनका किस तरीके से इससे फायदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस के एडिक्ट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो इन सारी वीडियोज़ में, इन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो और फिर उसके बाद में 2-3 दिन में आपकी जो एनर्जी है वापस से डाउन हो जाती है, तो दिस इज़ द राइट वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखो आप लोग, पूरा चीज़ समझो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, एंड उसके बाद काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं या फिर जो ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स होते हैं, जैसे कि लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप महेश्वरी, इस टाइप की जो वीडियोस होती है ये बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने 11th-12th के टाइम पे, मैंने भी बहुत ज़्यादा देखी है। तो क्या ये जो वीडियोस होती हैं क्या ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए या बहुत कम देखनी चाहिए? तो इसका आंसर है आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं देखनी चाहिए। इनका अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स, आपको पर्सनल ग्रोथ के सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम देखनी चाहिए, ताकि इससे आपकी लाइफ में वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है जो आपकी नहीं थी और जो सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में होते हैं, इस दुनिया में होते हैं, उनकी बन चुकी थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन इसको ले करके बहुत ज़्यादा एक अलग ब्लंडर चल रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ किस तरीके से ये देखने की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है और दूसरों का जो है फायदा आप करा देते हो इस एज में जो बच्चे होते हैं। समझो मेरी बात को। सबसे पहले ऐसी वीडियोस आपको कब देखनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो कहीं पर भी हो, ये आप लोगों को देखनी चाहिए आपके जैसे आप 11th-12th में जब आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और उस टाइम पर आपका सीरियस स्टडी करने का टाइम है आपके पास में, आपको पता है कि यार जेई नीट का जो एग्जाम है वो 1 साल बाद है, या फिर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो चाहे आप सीएसईएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी फील्ड में आप हो, आपको पता है कि यार आपका एग्जाम जो है वो काफी नजदीक है एंड आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला है, आपको पहले से पता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, तो उस टाइम पर आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट आप लोग इन सारे चीज़ों को अपने छोटे एज से 6th-7th क्लास से 8th क्लास से 9th क्लास से आप सीख सकते हो, अपने पर्सनालिटी को ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप पहले से सीख सकते हो, ठीक है, और अपने आप को इन सब चीज़ों में पहले से ही अवेयर कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है, तो जब आप 11th-12th में आप एग्जाम दे लेते हो, उसके बाद में जब आप कॉलेज वगैरह जाते हो, तो वहां पर आपको फ्री टाइम निकाल करके आपको ये सारी चीज़ें जो है सीखनी होती है, अपने लाइफ के स्किल्स को डेवलप करने पड़ते हैं, ताकि आप अपने जो नॉर्मल फील्ड है, जो आप जॉब करोगे आगे जाके, अगर इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, उसके अलावा भी आप अगर कुछ सोचो कि मेरे को कुछ और करना है, बिजनेसेस करने हैं, तो आप उस डायरेक्शन में फिर कुछ ना कुछ सीख पाओगे, तभी आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे। राइट, लेकिन यहाँ पर ब्लंडर ये हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने जेई नीट के एग्जाम को छोड़ करके ऐसे सेशंस देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, बहुत जगह कमेंट्स आते हैं कि यार हम एडिक्ट हो चुके हैं इन सारे चीज़ों के, हम बार बार यही देखते रहते हैं, 2 दिन के लिए अच्छा लगता है और उसके बाद में फुर हो जाता है। राइट, तो यार एक चीज़ समझो कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो अगर, ठीक है, तो आज अगर आप आज जेई का पढ़ोगे तो आपको कब पूछा जाएगा जेई का? 5 साल बाद तो नहीं पूछा जाएगा ना। अगर आप आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ते हो तो वो आपको आज पूछा जाएगा, 1-2 साल के अंदर अंदर पूछा जाने वाला है। राइट, लेकिन आप लोग क्या करते हो, अपने आज को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो कई बार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप क्या करते हो, कुछ ऐसे सेशंस देखने लग जाते हो, मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स, ठीक है, आप बिजनेस सीखने लग जाते हो, ये सारी चीजें आप सीखने लग जाते हो, जो कि आपको काम जरूर आएंगी, लेकिन अभी एट द प्रेजेंट आप अपना आज जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में ऊपर है उसको आप वेस्ट करके उसको सीखने जाओगे, तो आपका जो आज यहां पर जो आप एग्जाम देने वाले हो वहां आपका कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा आपको, आपका मॉरल वहां डाउन होगा, आपके घर वाले आपको ताना मारेंगे, तो आप ना घर का रहोगे और उस परेशानी में आप ना कभी कुछ और डर से कुछ और स्टार्ट कर पाओगे कभी भी, तो ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे। समझ में आ रहा है आपको बात? सो प्लीज यार एग्जाम के टाइम पे फोकस करो और ऐसे सेशंस को मत देखो। यूट्यूब पे आप बैक टू बैक वीडियोस देखे जा रहे हो, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, उससे कुछ नहीं होता, 10 दिन में जेई क्रैक नहीं होता है। राइट,
ये तो हुआ पहला चीज। अब दूसरा चीज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इससे, ठीक है, कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। मतलब आप सोचो कि यार आप व्हाट्सएप चलाते हो, फ्री होता है, लेकिन उससे व्हाट्सएप को क्या फायदा होता है? व्हाट्सएप ने कंपनी बना रखी है, व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, उनको सैलरी जाती है, तो व्हाट्सएप को कैसे फायदा होता है? कहीं ना कहीं से तो फायदा होता है ना। अगर आप फेसबुक चला रहे हो, आप फेसबुक फ्री में यूज कर रहे हो, तो आप सोचते हो यार तो फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। फेसबुक को क्या है, फेसबुक का इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, फेसबुक कहीं ना कहीं से तो कमा रहा होगा ना, ठीक है। YouTube है, तो YouTube में आप सोचते हम तो वीडियोस देख रहे हैं, आप या मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है फ्री है? YouTube में तो फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स आके YouTube में हल्ला मचाते हैं कि हम तो यार फ्री में पढ़ाते हैं, हम तो फ्री में पढ़ाते हैं। अरे नहीं यार, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट, समझो इस चीज को। आज अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो तो आप पैसे देते हो किसी कोचिंग को और वहां पे पढ़ते हो, यू आर पेइंग एंड यू आर स्टडिंग। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो कहीं पर भी, तो आप फ्री में पढ़ते हो, लेकिन एट द एंड आप पे नहीं करते हो, बट प्रोडक्ट आप ही होते हो। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी चीजें आपको, आप जो चीज सोच रहे हो, तो जो आप सर्च कर रहे हो, तो उसी के रिगार्डिंग आपको एड्स आने लग जाती है, ठीक है। आप अगर फोन में एक दो उल्टी पुल्टी वीडियोस देखोगे तो उल्टे पुल्टे ही आपको एड्स आने लग जाएंगे। अगर आप फोन में कुछ मोबाइल के बारे में सर्च करोगे तो आपको मोबाइल के अमेजन वगैरह के सारे एड्स आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आप वो एड्स आपको दिखा करके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अर्न करती है। तो कमाई दो चीजों से हो सकती है, एक तो एडवर्टाइजमेंट से, और दूसरा कोई चीज आप उस प्लेटफॉर्म पे ही खरीद लो तो, ठीक है। सपोज कर लो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म पे गए, वहां पर या तो एड्स चलेंगे, उससे वो प्लेटफॉर्म कमा सकता है, या फिर उस प्लेटफॉर्म में कुछ चीजें पेड होंगी वो आप बाय करोगे तो वो प्लेटफॉर्म उससे कमा सकता है। तो ये फंडा आपको क्लियर हुआ, इसके पीछे का ये फंडा होता है। और होता ये है कि आप लोगों को ये बताया जाता है कि एवरीथिंग इज फ्री। आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार फ्री है, फ्री है, फ्री है, सेशन फ्री है, मोटिवेशनल सेशन फ्री है, लाइफ चेंजिंग सेमिनार फ्री है, ठीक है, ये हमारे सेशन सारे फ्री है। तो आप लोग सोचते हो फ्री में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। आप अपना डेटा सेल कर रहे हो, आप अपना डेटा वहां देने जा रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या अगर आप ऑफलाइन कोई सेमिनार करते हो तो वहां आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो, एंड आप अपना नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कहां रहते हो, सारी चीजें आप शेयर कर रहे हो। तो ये चीज आपको अवेयर रहनी चाहिए। शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ कोई क्राइम नहीं होगा, लेकिन आपको इस चीज से अवेयर रहना चाहिए कि कोई चीज आपको फ्री में नहीं मिल रही है, राइट। और जब आप डेटा अपना देते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी व्यक्ति को, तो उस डेटा का यूज करके आप ही प्रोडक्ट बन जाते हो। उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज परचेज कर लेते हैं, या फिर एड्स शो होते हैं। जैसे YouTube की अगर आप बात करो तो आप देखे जा रहे हो मोटिवेशनल वीडियोस, तो उसमें एड्स आते हैं, उससे यूट्यूबर को फायदा होता है, लेकिन सामने ये दिखाया जाता है कि यार सेशंस तो फ्री है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है पैसे अर्न करने का, जो कि ऑडियंस को ऐसा लगता है ऑनलाइन के अंदर में कि यार ये तो फ्री है, फ्री में इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। फ्री देखो, सब लोग संदीप महेश्वरी नहीं होते, राइट, सब लोग फ्री में काम नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं जो फ्री में काम करते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो पैसों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला तो भगवान है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब होता क्या है कि जैसे मान लो मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, तो जो भी जो एजुकेटर्स होते हैं या फिर जो स्पीकर्स होते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है कहीं ना कहीं फॉर द परफॉर्मेंस दे डू। जो हम परफॉर्म करेंगे, अगर हमारे जो सेशंस है वो बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें उसकी रिवॉर्ड मिलती है, राइट। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करोगे, जहां पर सपोज कर लो आप टीचर हो किसी प्लेटफॉर्म पे, राइट, तो आपको वहां पर रिवॉर्ड मिलता है अगर आपका परफॉर्मेंस बाकी टीचर से अच्छा रहा तो, राइट, तो आपकी इनकम वहां पर उस तरीके से बढ़ जाती है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो आजकल कोरोना के टाइम पे जो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आगे बढ़े हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, काफी सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ के साथ मैं भी एसोसिएटेड हूं, ठीक है, यूट्यूब में बहुत लोग काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि उस रिवॉर्ड के चक्कर में अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में टीचर्स हर टाइप के होते हैं, यूट्यूबर्स भी होते हैं, ऑफलाइन के टीचर्स भी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, कोटा के टीचर्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, लेकिन उस चक्कर में हो ये रहा है कि जो फेमस लोग हैं, जैसे कि जिनका यूट्यूब पे चैनल्स है, जैसे कि मेरा यूट्यूब पे चैनल्स है लेट से, तो अगर आज मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ आपको कि यार आज हम यहाँ पर एक फ्री सेशन करने वाले या एक फ्री सेमिनार करने वाले हैं, तो आप जो भी ऑडियंस मेरे वीडियोस देखते हो वो वहां पर जाओगे। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा टीचर है जो फेमस नहीं है, जो यूट्यूबर नहीं है, या फिर कोई ऐसा स्पीकर है जो उतना ज्यादा फेमस नहीं है, तो वहां पर बच्चे कम जाएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो उस तरीके से क्या हो रहा है कि जो IIT NEET के बच्चे हैं, उनको बार 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 ये मोटिवेशन का तड़का लगा करके
कोई और अपना जेब भर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो उसी चीज में पजल्ड हो जा रहे हो। आपका जो जेई नीट का एग्जाम है वो खराब हो जा रहा है, जहां आपको लेक्चर्स भी तीन तीन घंटे चार चार घंटे पांच पांच घंटे नहीं देखने चाहिए, इस टाइम पर रिविजन पर टाइम देना चाहिए। वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ करके तीन तीन घंटे चार चार घंटे पांच पांच घंटे सेमिनार्स देख रहे हैं, जो उनको एट राइट नाउ इमीडिएटली काम भी नहीं आने वाला है। आप चाहो तो अपना जेई का एग्जाम देके तीन महीने बाद चार महीने बाद वो सेशंस देख सकते हो, सेशन बहुत काम के हैं, ठीक है। आपको सीखने को मिलता है, आपकी पर्सनालिटी सच में ग्रो होती है। अगर आप किसी अच्छे पर्सनालिटी को देखते हो तो उसको सीख करके आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई चीज देखने का राइट टाइम होता है, यू हैव टू चूज द राइट टाइम। मोटिवेशनल वीडियोस कोई आपको थाली में परोस के अगर देगा, सपोज कर लो मैं कहता हूँ यार कि मम्मी आपकी खाना बना रही है और चपाती गरम गरम वो बना रही है और आप खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, वो तो मम्मी बना रही है आप खाए जा रहे हो, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं देखना, आपको देखना है फ्रूट्स के तरह कि फ्रूट्स घर में पड़े हुए हम कभी भी खा रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई हर हफ्ते लो चपाती, हर दो मिनट में लो गर्म चपाती और आप खाए जा रहे हो, बढ़िया पनीर की सब्जी आपको मिल गई खाए जा रहे हो, नहीं, फ्रूट्स के तरह उसको रखो। जब आप फ्री रहोगे, हाँ चल यार अभी फ्रूट्स खा लेते हैं, चल, तो आपने एक एप्पल उठा करके खा लिया। इस तरीके से मोटिवेशनल सेशंस और जो लाइफ चेंजिंग सेशंस होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस होते हैं, ये सारे आपको पर्सनालिटी ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें आपको उस टाइम पर देखनी चाहिए अपने चॉइस के हिसाब से, ना कि किसी और के चॉइस के हिसाब से। समझ में आ रही है आपको बात? अब बहुत सारे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार इधर चले जाओ उधर चले जाओ, यहाँ आके सेशन अटेंड कर लो, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म से कहीं और लोगों को कन्वर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि यार ये चीज़ें फ्री है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो चाहे तो यूट्यूब पे लाइव सेशंस ले सकते हैं, बट वो यूट्यूब पे लाइव सेशंस नहीं लेते, कहीं और लाइव सेशन लेते हैं। यूट्यूब पे भी लाइव का ऑप्शन होता है, बट वो आपको रीजन ये देते हैं कि यार यूट्यूब पे तीन चार घंटे में नहीं हो सकता, ये हो सकता वो हो सकता, लाइव इंटरेक्शन यूट्यूब पे भी होता है, लाइव इंटरेक्शन जैसे कहीं और प्लेटफॉर्म पे होता है लाइव इंटरेक्शन यूट्यूब पे भी होता है, राइट। लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि इससे क्रिएटर का भी फायदा होता है, ठीक है। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आप जो स्टूडेंट्स हो आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपको कब कौन सी चीज़ देखनी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला कोई कुछ चीज़ कर रहा है तो वो सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं कर रहा, वो अपने फायदे के लिए भी कर रहा है। कोई भी इंसान आपके फायदे के लिए सब कुछ नहीं करता है, राइट। और ऐसे में आप लोग एक होता है ना जो आप लोग को भरोसा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको अगर कोई एक्टर बोल दे कुछ कि हम ये खाते हैं तो आप सोचोगे हाँ यार ये वो खाता है तो हम भी खा सकते हैं, राइट। इसी तरीके से तो एडवर्टाइजमेंट होती है ना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यार वो दिखाने के लिए कोई चीज है, एक्चुअल में वो चीज हो ना हो क्या पता, राइट। आपको बताया जा रहा है कि यार ऐसे करोड़पति आप बन सकते हो, लेकिन आपको क्या पता कि आप ही का यूज करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको ये भी तो समझ आनी चाहिए ना कम से कम, राइट। बस यही बात है। और तीसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हर चीज का एडिक्शन होता है, जैसे कि आप सिगरेट का एडिक्शन होता है लोगों को, दारू का एडिक्शन होता है लोगों को, गैम्बलिंग का एडिक्शन होता है, अलग अलग टाइप के लोगों को एडिक्शन होता है। तो उसी तरीके से आप मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखे और आपके अंदर से आया कि आप चल अब तो फोड़ देंगे, राइट, वो एक अच्छी फीलिंग आती है। होता क्या है, वो अच्छी फीलिंग आपको बार बार चाहिए होती है, तो अगली बार कोई मोटिवेशनल वीडियो आती है आप उसको भी देख लेते हो, फिर आती है उसको भी देख लेते हो, अनटिल एंड अनलेस आप ये समझो कि यार वो जो अच्छी फीलिंग आ रही है आपको उससे आपका लाइफ नहीं सुधरने वाला। वो अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, उस वो कभी कभी जरूरत है, लेकिन वो डेली जरूरत नहीं है, हर हफ्ते हर महीने जरूरत नहीं है, राइट। वो तब जरूरत है जब आपका लाइफ बहुत ज्यादा एक्चुअल में खराब हो। उसके अलावा आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, आपकी लाइफ की मेहनत, आपकी स्किल्स, वो सारे पे आपको फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं वीडियोस देख करके और फिर सोचते हैं हम तो IIT में नंबर 1 रैंक लाएंगे, ठीक है, हम तो IIT बॉम्बे जाएंगे, हम तो उससे नीचे कहीं जा ही नहीं सकते। यार वो आपकी फीलिंग है, वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी वो फीलिंग है। आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया हम तो करोड़पति बनेंगे, हम तो बिलियनर बनेंगे, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया वो आपकी फीलिंग है, दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी वो है जो आपके आसपास जब जहां पर भी आप अभी बैठे हो वो आपकी रियलिटी है, आपको उसको चेंज करनी है। आपके माइंड में जो है वो आपकी रियलिटी नहीं है, चीज आपको समझना पड़ेगा। ये गलती मैंने भी बहुत बार की थी पहले, ठीक है, जो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, वो आपको नहीं पकाना है, राइट। तो इन्हीं तीन चीजों के बारे में मेरे को बात करना था यार। एक तो ये कि आप लोगों को सही टाइम पे चीजें देखनी है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखनी है, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं फ्री हूं, अब मेरे को देखनी है। ये नहीं कि हाँ कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके लिए कुछ लेकर के आया तो आपको देखना ही पड़ेगा, वो देखने से ही आपका सब कुछ बदल जाएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं होता है। आपका बदले ना बदले, लेकिन सामने वाले का तो बदल चुका है और बदल रहा है, ये चीज आप समझो। चाहे वो YouTube पे कोई सेशंस की बात हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस का आपको एडिक्शन नहीं लगाना है। जो दूसरी बात हमारी थी कि उससे आप प्रोडक्ट हो, आप ही प्रोडक्ट हो,
अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। आप देखोगे अक्सर, ये मैंने बात भी करी थी पार्थ गोयल और अमन तिलक के जो कंट्रोवर्सी थी, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था आज से कुछ 7-8 महीने पहले, मैं उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि आपका जो डेटा है वो चला जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में और फिर आपको कॉल्स मैसेजेस सारे आने लगते हैं, राइट। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहां पर डेफिनेट सी बात है उतने ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, राइट। अगर हम देखें कि एजुकेशनल कंटेंट पे, तो आप हमारे चैनल पे ही देख लो, हर चैनल पे देखो, आपको एजुकेशनल कंटेंट पे कम यू नो व्यूज दिखेंगे, कम वॉच टाइम दिखेंगे कंपेयर टू द आपका जो नॉन एजुकेशनल जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान का विश है ना, वॉन्ट है इंसान का कि उसको करोड़पति बनना है, उसको मिलियनेयर बिलियनेयर ये बनना है, ये उसकी वॉन्ट होती है। तो अगर कोई क्रिएटर उसी पे सेशन रखे तो उसको उस पर सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब इससे ब्लंडर ये हो रहा है कि जो आईटी नीट वाले बच्चे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स पर हैं या फिर कहीं पर भी हैं, वो उसको देख ले रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जा रहा है, और जो आईटी नीट से जिनका कोई लेना देना भी नहीं है वो भी आ जा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में और अपना डेटा सेल कर दे रहे हैं, जबकि वो सेशन अगर आपके ही भले के लिए होती तो वो यूट्यूब पर भी हो सकती थी या फिर कहीं पर भी हो सकती थी, उसके लिए किसी भी ऑडियंस को कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो में मैं अपनी बात रखना चाहता था, आप लोगों को कुछ समझाना चाहता था, आई होप आपको इसे कुछ समझ में आया होगा। काफी डीप में मैं बात कर सकता था, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया देने का ट्राई करूं, ठीक है, क्योंकि बाकी आप लोगों को अपने अंदर में समझ होनी चाहिए कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है और क्या चीज दुनिया में क्यों होती है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एंड अभी अगर आपके एग्जाम्स है तो एटलीस्ट प्लीज एग्जाम्स में फोकस कर लो, ठीक है। अपने फ्री टाइम में आप मोटिवेशनल सेशंस और ये सारे लाइफ चेंजिंग सेशंस को आप देखना, स्पेशली जो बच्चे हो, अगर आप फ्री हो चुके हो तो आप यू नो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से बिना जाने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी यू नो किसी भी संस्था को अपना जो डेटा है वो मत दे दो, ठीक है। और दे भी रहे हो तो वो चीज़ आप जान के दो कि हाँ आप दे रहे हो, ठीक है। आप तो ये सोच के चले जाते हो ना कि यार चीज़ें फ्री है, और पता चलता है आपको अगले दिन से कॉल आने लग गए, ठीक है। तो ये ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा होता है, ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा होता है। यूट्यूब पर भी आप देखो, कोई क्रिएटर है जो ऐड से कमा रहा होता है, भले ही कम कमा रहा होता है बट कमा रहा होता है, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो होती है, वो क्रिएटर को बहुत तगड़ा पैसा देती है यू नो एज अ रिवॉर्ड, जो कि कोई गलत नहीं है, बात चीज़ें सही है, बट उस चीज़ का यूज़ थोड़ा सा गलत तरीके से हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो गलत पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आज आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या आपको उन सेशंस की ज़रूरत है, क्या आप अभी इंटरप्रेन्योरशिप यू नो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या अभी आपको सामने आपका जेई का एग्जाम दे रहा है, दिख रहा है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछने वाला है। लाइफ में आपके बहुत ज़रूरत होते हैं, अदर अदर स्किल्स जो होते हैं सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, मैंने भी बहुत सीखी है, लेकिन उस सीखने का राइट टाइम होता है, हर पर्सन टू पर्सन वो राइट टाइम यू नो वेरी करता है। और वो डिसाइड कौन करेगा राइट टाइम, वो आप खुद डिसाइड करोगे, वो कोई आपको बताएगा नहीं कि यार दिस इज द राइट टाइम, वो आप खुद डिसाइड करते हो, आपकी खुद की चॉइस होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप वो चॉइस मेकिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आप देखे जा रहे हो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, काफ़ी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा अवेयर आप लोगों को करूँ। आई होप आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।